हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉल्ट एनालिसिस। तो आपको भी पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं गेट की बात करूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से वही रहेगा, ठीक है। लेकिन फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम ट्रांजिएंट देखेंगे भाई, पहले ट्रांसमिशन लाइन में, फिर आपके सिंक्रोनस अल्टरनेटर में, ठीक है। इसके बाद हम फॉल्ट एनालिसिस पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसके अंदर लिखिए, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा फॉल्ट के बारे में, ठीक है, बस सुनिए। सबसे पहले लिखेंगे ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। फर्स्ट टॉपिक लिखिए ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम नेटवर्क में कर चुके हैं भाई, ठीक है, जस्ट रिवीजन हम करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक अल्टरनेटर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है भाई, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बस नंबर 2 है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास जनरेटर है, जे राजे मेरे पास क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जे मेरे पास क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड, यहाँ पे मेरे पास लोड एंड है, ठीक है, नो लोड इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं बना हुआ जैसे जे मैंने बना रखा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कोई भी लोड वहां पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, नो लोड इज कनेक्टेड। अगर लोड राजी आपका कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब करंट आई किसका होगा, इसके अंदर करंट जो आई जा रहा होगा राजी, वो 0 जा रहा होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज बी है, तो इस पे भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, क्योंकि रास्ते पे कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। रास्ते पे ड्रॉप ना होने का मीनिंग क्या राजी, मीन्स आपका सिस्टम का करंट 0 है। करंट 0 होने का मतलब जो वोल्टेज आपकी जनरेटर के यहाँ पे होगी, वही टर्मिनल मेरे लोड एंड पे होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। बोलो करेक्ट हुई इतनी बात। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, अगर इसको मैं ऐसे फिगर ड्रॉ कर दूं इसकी, क्या सॉरी क्या सॉरी क्या फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसकी, सर बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, ठीक है, ये आपके पास आपका टर्मिनल आ गया भाई, वोल्टेज बी वाला, ठीक है, ये वोल्टेज बी वाला आ गया, ठीक है, टर्मिनल जो कि मेरे पास नो लोड के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो वोल्टेज बी ऑफ टी मैं मान के चल रहा हूं, ये है आपके पास बी एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक हुई इतनी बात। चलिए मुझे एक चीज बताइए, अगर सर्किट पहले मेरा नो लोड पे था, अब मैं बोल रहा हूं कि जो आपका टर्मिनल है, ये मान लीजिए 1 है, जे 2 है, मान के चल रहा हूं कि मेरे पॉइंट नंबर जो 2 है इसके ऊपर मान लीजिए 3 फेज फॉल्ट आ गया, ठीक है। 3 फेज फॉल्ट का मतलब क्या है, इस टर्मिनल पे ऐसे आपका फॉल्ट आ गया, ठीक है, 3 फेज फॉल्ट, तीनों फेज आपके जुड़ गए हैं, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, यहाँ पे इसका मतलब फॉल्ट आ गया, ठीक है। जी कौन सा करंट होगा राजी, फॉल्ट करंट होगा, करेक्ट हो इतनी बात। क्या इसको मैं इस एक स्विच के साथ दिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे स्विच के साथ हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे स्विच के साथ मैं इसको बना दूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट आएगा, इसका मतलब स्विच आपकी क्या हो रही है राजी, क्लोज हो रही है, ठीक है, बात तो सेम ही है ना मेरे पास। ये मेरे पास क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल्ट करंट। इसका मतलब ये हुआ दैट इज सिमिलर टू योर नेटवर्क केस, ठीक है, नेटवर्क में हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट जाएगा, आई एफ कह लो या फिर इसको आई ऑफ टी बोल दो, आई ऑफ टी करंट की वैल्यू कितनी होगी राजी, बोलो। एक तो इसके अंदर ट्रांजिएंट पार्ट होगा, हम भाई कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, अब ऐसे चुपचाप मत बैठिए। एक इसके साथ क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन की बात करूं, तो वहां पे आपके पास जो करंट ऑफ आई टी की वैल्यू यहां पे आई थी, दैट इज के ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस बी एम डिवाइड बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा, यही इक्वेशन आई थी भाई, बोलो यार क्यों, क्योंकि हमने वहां पे दो पार्ट में इसका निकाला था, एक पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, एक क्या निकाला था, बोलो बोलो भाई, सीएफ नहीं निकाला था, अब भूल गए हो, ठीक है, याद रखा करो यार, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, बिफोर फॉल्ट आपका करंट कितना था राजी, बोलो, बिफोर फॉल्ट आपका करंट आई कितना था भाई, 0 था, क्योंकि ओपन सर्किट था, तभी तो हमने यहाँ पे वोल्टेज लिख दी थी ना, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है सभी की सभी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बिफोर फॉल्ट अगर करंट 0 था, इसका मतलब जस्ट अगर ये टी इज इक्वल टू 0 पे फॉल्ट आ रहा है, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई टी इज इक्वल टू
जीरो प्लस पे करंट आई की वैल्यू कितनी होगी? सर वो जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? आपका सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। इसका मतलब इसका मैं यूज करूंगा टी इज इक्वल टू जीरो पे जस्ट, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर द सॉरी जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन, राइट, मीन जस्ट फॉल्ट आया ही है उसी इंस्टेंट पे, जस्ट आफ्टर द फॉल्ट, करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए तो आई एफ टी की जो वैल्यू होगी, मैं टी इज इक्वल टू जीरो पुट करिए तो इसकी वैल्यू है राजे जीरो, क्लियर, करंट की, दैट इज इक्वल टू के e की पावर जीरो प्लस बी एम डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड साइन अल्फा माइनस थीटा। ये चीज बच जाएगी भाई, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, बोलो जी, माइनस ऑफ बी एम डिवाइड बाई जेड साइन अल्फा माइनस थीटा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये चीज भाई मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को अगर मैं साइन का नेगेटिव बाहर निकालूं तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई बाहर वाला, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको हम कर देते हैं थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन पे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करिए तो करंट ऑफ आई टी की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है, दैट इज बी एम डिवाइड बाई मॉड जेड, हाँ जी, साइन थीटा माइनस अल्फा इन टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस बी एम डिवाइड बाई जेड साइन ओमेगा टी। हाँ जी, इसको मैं माइनस कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख लूं, थीटा माइनस अल्फा बोलो, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये भाई मेरे पास इक्वेशन जो हमने नेटवर्क में भी प्रूव की थी, ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा राजे, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है आपको बताया था भाई, ट्रांजिएंट पार्ट है, क्योंकि ई की टर्म जिसमें भी आती है वो ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम बोलेंगे डीसी ऑफसेट करंट, डीसी ऑफसेट करंट, और यही आपके पास होता है ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। और इसकी जो वेव फॉर्म राजी होगी, दैट इज एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगी, ठीक है, और इसी की जो वेव फॉर्म बनेगी दैट इज एसिमेट्रिकल। बताते हैं कैसे, ऐसे ही जे जो मेरे पास जे वाला करंट होगा राजे, जे मेरे पास कौन सा करंट होगा राजे, बोलो स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो एसी स्टेडी स्टेट, जे एसी करंट होगा राजे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी, ये देखो ये तो कांस्टेंट है ना आपके पास, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये तो ई तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका ट्रांजिएंट पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं इस फैक्टर की, ठीक है। ये फैक्टर मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी इसके अंदर टी नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो ये होगा डीसी ऑफसेट करंट, राइट, और इसी को हम बोलेंगे राजे ट्रांजिएंट करंट। बोलो दिक्कत है कोई तो बोलिए भाई, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टेडी स्टेट करंट, मजे आगे भाई, बिल्कुल आगे से सर। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं ग्राफ, ठीक है, जे डीसी ऑफसेट करंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं राजे, तो बताइए कैसा ड्रॉ होगा, ठीक है। ये जो आई ट्रांजिएंट पार्ट है इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट करो, इसमें टी जीरो रखा, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, और ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी राजे, डीसी ऑफसेट करंट ही आएगा ना, जिसकी वैल्यू है बी एम बाई मॉड जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है भाई, ई की पावर माइनस टी का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का ही होता है, ठीक है जी। तो ऐसे जाता जाता जी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं स्टेडी स्टेट वाले करंट की बात करूं, स्टेडी स्टेट वाला करंट कैसा बनेगा भाई आपके पास, बोलो जी, जब t इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पे बताइए वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे t की वैल्यू जीरो रखो तो कितना होगा, बी एम बाई मॉड जेड, ठीक है, यहाँ पे बचेगा थीटा माइनस अल्फा नेगेटिव का, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा t इज इक्वल टू जीरो पे, माइनस बी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा t, तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा राजे, थीटा माइनस अल्फा, मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा राजे, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस बी एम बाई मॉड जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, समझ रहे मेरी बात। और ये जीरो कहां पे जाके हो जाएगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी राजे, थीटा माइनस अल्फा, ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास है आई स्टेडी स्टेट, करेक्ट हो इतनी बात। तो इसका मतलब इसका अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो मेरा ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इसको एक जैसा बनाइए भाई,
समझ रहे मेरी बात? ये किस पॉइंट पे जीरो होगा आपका? थीटा माइनस अल्फा पे, ठीक हुई इतनी बात? बोलिए जी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, बोलो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा स्टेडी स्टेट करंट, करेक्ट हुई इतनी बात? अगर मैं इसकी पीक वैल्यू की बात करूं राजे, पीक वैल्यू इसकी कितनी होगी जे वाली? ये पीक वैल्यू मेरे पास होगी राजे Bm by mod z, कहां से पता चला सर? j होती है जी पीक वैल्यू इसकी, ठीक है, पीक वैल्यू की j होगी, समझ रहे मेरी बात? चलिए, इसका मतलब j इसकी पीक वैल्यू नहीं है, यहां से मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, आपको लग रहा होगा कि पीक वैल्यू है, ठीक है, तो ऐसे मेरा फंक्शन जाएगा, ठीक है। हो सकता है जी फंक्शन आपका साइन की वैल्यू तो लेस देन वन ही होगी, ठीक है, ये कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो इसकी जो पीक वैल्यू भाई मैंने नीचे दिखाई है, इसको थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली कम रखना होगा, ठीक है, ये नीचे ही रहेगा आपका, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो पीक वैल्यू है मेरे पास, ये जो पीक वैल्यू है जिसकी वैल्यू बी एम बाई मॉड जेड है। चलो एनी हाउ, तो आपने देखा आपके पास एक तो स्टेडी स्टेट पार्ट है, ये क्या आपके पास जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, स्टेबल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जहाँ स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जो चीज एक सार बढ़िया कॉन्स्टेंटली चल रही है, ठीक है, जैसे साइन की वेव फॉर्म है, ठीक है, इक्वल स्पीड पे ऐसे ऐसे वो घूम रही है, ये स्टेडी स्टेट है। लेकिन अब जैसे ही फॉल्ट आया, पहले जो ऐसे ही सिस्टम चल रहा था, ऐसे ही सप्लाई आपकी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया, थ्री फेज फॉल्ट आया, जहां स्विच आपकी क्लोज हुई, ठीक है, जैसे ही स्विच क्लोज होगी उसकी वजह से इसके अंदर ट्रांजिएंट पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही ट्रांजिएंट पार्ट आएगा तो मेरे सिस्टम के अंदर क्या आएगी राजे, डिस्टरबेंसेस आएंगी। और अगर मैं दोनों ग्राफ का, क्योंकि दोनों करंट मेरे सम हो रहे हैं ना, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए t इज इक्वल टू जीरो पे देखिए ये पॉजिटिव उतना है, ये नेगेटिव उतना है, ठीक है, पॉजिटिव में उतना जोड़ो तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, जीरो से थोड़ा सा ये डिकेइंग चलेगा, इसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई वेवफॉर्म आपके पास डीसी ऑफसेट करंट की है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पे आपका ये कुछ ऐसा चलेगा, इसके बाद ये आपका सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे आपकी नॉर्मल साइन वेव है वैसे ही आपका ये चलता जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लो भाई इसको। इसके बाद ये स्टेबल आपका नॉर्मल साइन स्पीड, ये एक साथ नहीं बन रहा भाई, एक साथ बनाइए, ठीक है, इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, आपके पास आपका रिस्पांस हो जाएगा आईटी का, जैसे ही फॉल्ट आएगा तो आईटी करंट मेरा ऐसा होगा और कुछ समय के बाद आपका सेटल डाउन होगा। इसका मतलब इसका अगर मैं पीरियड डिफाइन करूं तो पीरियड देखिए मैं कैसे इसका डिफाइन कर रहा हूं राजी, ये देखिए ये जो पहले दो साइकिल होंगे 1 to 2 साइकिल, इसको हम बोलते हैं राजी सब ट्रांजिएंट पार्ट, ठीक है, ये जो होगा इसको हम बोलेंगे सब ट्रांजिएंट पीरियड, ये मेरा सब ट्रांजिएंट पीरियड हो जाएगा। इसके बाद 2 to 5 साइकिल के लिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, ट्रांजिएंट, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिएंट पार्ट, ठीक हो जी बात? आप देखिए इसके बाद मेरा सिस्टम पूरा स्टेबल है, मींस कौन सी स्टेट अचीव कर लेगा जी, स्टेडी स्टेट, इसके बाद ये स्टेडी स्टेट में ही रहेगा, क्लियर अभी बात? चलिए जी, तो यहाँ पे हम ये करंट ड्रॉ कर लिया है आई एफ टी, तो इसका सब ट्रांजिएंट पीरियड क्या होगा, सब ट्रांजिएंट पीरियड, समझ में आ रहे हैं भाई बातें, सब ट्रांजिएंट पीरियड 1 to 2 साइकिल, ठीक है, फिर इसका क्या निकालेंगे, ट्रांजिएंट पीरियड कितना होगा, बोलो जी 2 to 5 साइकिल, ठीक है, फिर स्टेडी स्टेट आ जाएगा भाई, स्टेडी स्टेट कब आएगा, आफ्टर बोलो जी 5 साइकिल, मेरे पास कौन सा इसका पीरियड आ जाएगा, स्टेडी स्टेट, नोट करिए जल्दी से भाई, इंपॉर्टेंट है आपका, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है भाई, नोट कर लीजिए ये सभी पॉइंट, आर्मस वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल करंट, हाँ जी सिमेट्रिकल करंट कौन सा है भाई आपके पास, इसमें से डीसी ऑफसेट तो क्या है
अरे भाई सिमेट्रिकल करंट यही है मेरे पास, ये है मेरा सिमेट्रिकल करंट। सिमेट्रिकल करंट की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? सिमेट्रिकल करंट की पीक वैल्यू कितनी है? बीएम बाय मॉड जेड। आपको पता है आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव कितनी होती है? बीएम बाय रूट थ्री, ठीक है, रूट टू सॉरी। तो इसका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बीएम बाय मॉड जेड। ये तो पीक वैल्यू है, इसका क्या कर देंगे राजी? 1/√2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जे भाई आपका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिकल करंट का। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ही पूछा जाएगा, तब आपने आंसर जे देना है। समझे मेरी बात? दूसरा दूसरा आपसे पूछ लेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसिमेट्रिकल करंट, एसिमेट्रिकल करंट, ठीक है, एसिमेट्रिकल करंट राजी, ये जो आपकी दोनों की कंबाइंड ये वेवफॉर्म बन रही है, ये क्या बन रही है? एसिमेट्रिकल बन रही है, ठीक है, ये जो वेवफॉर्म बन रही है एसिमेट्रिकल बन रही है, कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल, राइट। तो उस केस में आपने आंसर क्या देना है? दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर है, ये तो आपके पास डीसी है और ये क्या है? एसी है। तो जब डीसी प्लस एसी होती है वेवफॉर्म, तो डीसी वाले कंपोनेंट की आरएमएस का स्क्वायर, सॉरी डीसी जो डीसी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो एसी वाली सर्किट है उसका आरएमएस का स्क्वायर कर दो, दोनों का अंडरूट कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बीएम बाई मॉड जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, यही गिवन था अभी फर्स्ट कंपोनेंट, ई की पावर माइनस टी बाई टो, इसका क्या कर देंगे राजी? स्क्वायर कर देंगे, प्लस बीएम बाई रूट टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इसका स्क्वायर इसका अंडरूट कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आई एसिमेट्रिकल की आरएमएस वैल्यू की बात करूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीएम बाई मॉड जेड, दोनों से कॉमन है बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस अल्फा ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, इसका स्क्वायर, सॉरी इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस अंदर कितना बचेगा? 1/2 हो जाएगा ना, रूट टू का स्क्वायर कर देंगे, इस पूरे की पावर कितनी है राजी? 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा राजी? एसिमेट्रिकल करंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डीसी ऑफसेट करंट निकालो, तो डीसी ऑफसेट करंट कितना आपका? बीएम डिवाइड बाय मॉड जेड साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू ई की पावर टी बाई टाओ। मेरा टाओ क्या आपका भाई? टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है भाई, मैक्सिमम मोमेंट्री करंट निकालो, मैक्सिमम मोमेंट्री करंट, जिसको हम बोलते हैं आईएमएम, ठीक है। तो आपको ये चीज तो क्लियर है ना, जो आपकी टॉ होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो वेरी हाई होती है, बिकॉज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपकी जो आर होती है वो अप्रोक्सीमेट जीरो होती है, यहां आप कह सकते हो वेरी वेरी स्मॉल होती है ना, वेरी वेरी स्मॉल। और जो आपका टॉ होता है वो भाई एल वाई आर होता है, ठीक है। अगर आर इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब टाओ मेरा क्या होगा भाई? वेरी वेरी लार्ज होगा, ठीक है। टाओ क्या होगा उसका? वेरी वेरी लार्ज होगा। इसका मतलब ई की पावर माइनस टी बाई टाओ की वैल्यू अप्रोक्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 होगी, ठीक है। जितनी वैल्यू टाओ की वेरी वेरी लार्ज होगी उतना इसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, मिनिमम 0 हो सकती है भाई ई की पावर, तो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो उस केस में जो आई एम एम है मेरा, मैक्सिमम मोमेंट्री करंट, दैट वुड बी इक्वल टू, जो आपकी इक्वेशन नंबर आई थी कौन से वाली, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी, तो उसमें आप ये भाई टर्म्स को 1 पुट कर दीजिए, तो देखो कितना बचेगा? बीएम डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये ई की टर्म मेरी क्या हो जाएगी? अप्रोक्स 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे कितना आया था? बीएम बाय जेड, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी भाई, इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालना था, मैक्सिमम मोमेंट्री करंट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने ले ली, ये जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, और इसकी आपकी पीक वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये साइन की पूरी टर्म क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाए। समझ रहे पॉइंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मोमेंट्री करंट, मींस ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है अंडर फॉल्टी कंडीशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, चलिए जहां तक मेरी बात क्लियर हुई, अब मैं आगे थोड़ा सा और डिफाइन करूं, तो बीएम बाई मॉड जेड तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा भाई? साइन
थीटा माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है। और आपको ये भी पता है जनरली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है जी, रेजिस्टेंस तो अप्रोक्स जीरो होती है, तो जनरली इन ट्रांसमिशन लाइन एक्स वाई आर की जो रेशियो होती है इज वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब क्या, इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस जो आपका टेन इनवर्स होगा वो किधर को अप्रोच करेगा, 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका मतलब अगर मैं IMM की बात करूं फॉर ट्रांसमिशन लाइन BM बाई मॉड Z, हाँ जी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस अल्फा प्लस वन, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा BM बाई मॉड Z, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा, समझ रहे मेरी बात। आप मुझे एक चीज बताओ, ये अल्फा क्या था भाई, अल्फा अल्फा कंफ्यूज नहीं हो ना, ये सप्लाई के अंदर था, सप्लाई मुझे गिवन थी ओमेगा टी प्लस अल्फा, समझ रहे मेरी बात। ठीक हुआ जी, यहां तक ये मेरे पास IMM आ गया, ठीक है। अब इस IMM की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, दिस आई एम बिकम मैक्सिमम कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, जीरो, ठीक है। तो IMM एट अल्फा इक्वल टू जीरो बिल भी क्या होगा राजे, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू की बता सकते हो वैल्यू कितनी होगी, दैट इज BM बाई मॉड Z, वन प्लस कॉस जीरो वन, वन प्लस वन टू, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये होता है भाई आपका मैक्सिमम मोमेंट्री करंट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो IM कितना किसके इक्वल हो जाएगा भाई, IMM यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू टू इंटू पीक वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट की भाई पीक वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज, इसी को हम बोलते हैं राजे डबलिंग इफेक्ट, दिस इज नॉन एज डबलिंग इफेक्ट। डबलिंग इफेक्ट कब आ रहा है, जब अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है राजी, जीरो, समझ रहे मेरी बात। तो ये भाई मैक्सिमम मोमेंट्री करंट की आपके पास वैल्यू होगी, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट भाई आपके वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना भाई। तो क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चंस लिखिए जी, क्वेश्चंस, अ ट्रांसमिशन लाइन हाँ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग रिएक्टेंस जे 5 ओम पर फेज इज फेड फ्रॉम बी टी बी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30, वेयर लाइन वोल्टेज इज गिवन एज 11 kV, फाइंड द पर फेज इनिशियल एसिमेट्रिकल करंट, सिमेट्रिकल लाइन करंट, ठीक है जी। तो भाई एसिमेट्रिकल करंट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, वो चीज देखिए, लाइन की सॉरी लाइन की सिर्फ आपको क्या गिवन है भाई, लाइन रिएक्टेंस गिवन है ना, तो एक्स गिवन है, मींस आपके पास जे 5 ओम पर फेज गिवन है, ठीक है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ रहा है, जीरो, अगर आर जीरो हो गया तो थीटा तो मेरा 90 डिग्री हो गया भाई, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास ओमेगा टी प्लस अल्फा था ना, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल दे दी उसने, 30 के इक्वल दे दी, ठीक है। टॉ की वैल्यू बता सकते हैं, टॉ टॉ होता है LR, ठीक है, इंडक्टेंस तो गिवन है लेकिन आर कितना है, जीरो, मीन्स टॉ हो गया मेरा इन्फिनाइट, ठीक है। इसका मतलब जो फॉर्मूले के अंदर टर्म थी मेरी, ठीक है, एसिमेट्रिकल यही निकालना था ना, वो मेरे पास क्या था फॉर्मूला, BM डिवाइड बाई मॉड Z साइन थीटा माइनस अल्फा e की पावर माइनस टी बाई टॉ का होल स्क्वायर प्लस BM बाई रूट टू मॉड Z
इसका स्क्वायर ओवरऑल अंडरूट, यही था ना भाई मेरे पास एसिमेट्रिकल करंट। ठीक है, तो जेड की वैल्यू भी आपको पता है, बीएम कितना आपके पास, बीएम पीक वैल्यू, लाइन वोल्टेज गिवन आपके पास 11 केवी। ठीक है, लाइन अगर 11 केवी है, इसकी पीक वैल्यू निकाल लो, ये आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी पीक वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है चलो, या तो फिर हम लास्ट पे देख लेते हैं भाई। चलिए अब बीएम बाय जो मॉड जेड है मेरा, ये बाहर आ जाएगा, ये टर्म तो मेरी कितनी हो जाएगी राजी, ये टर्म तो मेरी कितनी हो जाएगी बोलो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 1, ये तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, अल्फा कितना है भाई 30, यही चीज बचेगी ना, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस बी एम बाई जेड तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/2, इसकी पावर कितनी है भाई 1/2। चलिए तो बी एम बाई मॉड जेड, हाँ जी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 30 का स्क्वायर प्लस 1/2, इसका हमें क्या निकालना भाई 1/√2। चलिए जी, बी एम बाई जेड, हाँ जी, अंडर रूट 3/2 होता है कॉस 30, तो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करो 3/4 प्लस 1/2, इसका क्या है राजे अंडर रूट। चलिए जी, बी एम बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है भाई, एलसीएम आएगा 4, 4 रूट से बाहर निकालो 2, तो जे बचेगा 3 प्लस 2 5 अंडर रूट 5। ठीक है, जे आई एसिमेट्रिकल करंट मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इस बीएम की वैल्यू कितनी होगी, आरएमएस वैल्यू गिवन आ रहा है 11 केवी। ठीक है, तो उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू 11/√3 इंटू 10³ वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम बीएम यूज करते हैं वो हमें ऑलवेज पर फेज होती है। ठीक है, पर फेज मैक्सिमम, तो पर फेज कैसे निकालोगे भाई बोलो जी, तो पर फेज कैसे निकालोगे भाई, ये तो मैंने पर फेज का फॉर्मूला लगा दिया यार, ये तो अब पर फेज का फॉर्मूला लग गया भाई अपना, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है बीएम बाय रूट टू विच इज इक्वल टू 11 केवी, तो पीक वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी 11 इंटू रूट टू इंटू 10⁻³, लेकिन हमें चाहिए पर फेज, ये कौन सी आ गई लाइन टू लाइन, राइट, तो पर फेज क्या हो जाएगी डिवाइड बाय रूट थ्री कर देंगे यार। ठीक है, तो इसको यहां पे पुट कर दो भाई, तो 11√2 डिवाइड बाय √3 इंटू √5/2 इंटू मॉड ऑफ जेड कितना गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर दैट इज 5, दैट इज 5। ठीक है जी, तो इसको भाई सॉल्व कर लेना, आपके पास एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ये है कि यहां पे जो वैल्यू आपने रखनी है दैट इज योर पर फेज वैल्यू, करेक्ट हो इतनी बात, तो भाई ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।